नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशादेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्तनमस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दः श्रीअद्वैतगदाधरः श्रीवासादिगौरभक्तवृन्दः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री गोपीनाथ जी के सामने आप उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके साथ ही आपके चरणों में विनीत प्रणाम करते हैं। कृपा करके आप लोग भगवान के विषय में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ ही हमको भगवान के विषय में बोलने का अवसर दिए हैं, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का हम अर्थ करेंगे आपके सामने, वो है भागवत धर्म। यद्यपि भागवत धर्म का प्रवचन कई श्लोकों में किया गया है, फिर भी संक्षेप में उसको बताने का कोशिश करेंगे। यह श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। इसका प्रयोग देवी देवताओं की आराधना में भी अनजान बस कर्मकांड के लोग करते हैं। यह बड़ा फेमस श्लोक है, गणेश पूजा में भी इसका प्रयोग करते हैं। वो है, पीछे से आप बोलिए, अभी लिख कर श्लोक आ रहा है, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैः वा बुद्ध्या आत्मना वानुसृत स्वभावात् करोति जात जात सकलम परस्मै नारायणाय एति समर्पयेत् तत्। कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा वा
बुद्ध्यात्मनावानुसित स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् हरे कृष्ण बोलिए पीछे से काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् नारायणायेति समर्पयेतत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् माताजी येन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् कायेन शरीर से वाचा वाणी से मनसा मन से इंद्रिय इंद्रियों से वा अथवा बुद्ध्या बुद्धि से आत्मना अहंकार से वा अथवा अनुसित स्वभावात् अनेक जन्मों के स्वभाववश करोति जो कुछ करता है जद जात जो जो सकलम वह सब परस्मयी परम पुरुष भगवान नारायणाय नारायण के लिए है इति इस भाव से समर्पयेतत् उन्हें समर्पण कर दे स्पष्ट है यह श्लोक नव जोगेंद्रों में कवि जी बोल रहे हैं भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र विरक्त सन्यासी हो गए जिनको जोगेश्वर कहा गया यद्यपि भगवान ऋषभ देव के सौ पुत्र थे उसमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत और उनके अनुगत नौ भाई राजा हुए और उनमें से नौ विरक्त सन्यासी हो गए और बचे 81 वे कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए
ये नौ बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एक साथ रहते हैं, वैसे भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र सर्वदा साथ साथ रहते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में कुछ ऐसे ग्रुप का वर्णन है जो सर्वदा साथ रहते हैं, जैसे सनत कुमार और नव जोगेश्वर और इसके साथ प्रचेतागण, दस लोग सर्वदा साथ रहते हैं, अश्विनी कुमार दो सर्वदा साथ रहते हैं। तो ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं, पंचम स्कंद में कथा है। तो ये नौ भाई एक साथ रहते हैं, इनका नाम भी आसान है, केवल वाक्य पूर्ति के लिए बीच में अथ शब्द का प्रयोग किए हैं, नहीं तो केवल नामों को सजा दिए हैं। सुखदेव गोस्वामी, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन, आबिहोत्र अथ दुमिल चमसह कर भाजन। पद पूर्ति के लिए अथ शब्द रखे हैं, क्रमशः नाम रखे हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन आबिहोत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। तो इसके पहले हम थोड़ी सी आपको भूमिका की कथा सुनाएंगे, कैसे श्लोक यहाँ आया। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ है, प्रश्न और उत्तर। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी और श्रोता महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के विषय में मैं समझता हूँ आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ और 35 वर्षों तक राज करने के बाद श्री भगवान के नित्य धाम जाने के समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजमुकुट दे दिया और हिमालय की यात्रा किए। तो महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट हुए, बहुत बड़े धार्मिक। उन्होंने माता के गर्भ में ही दर्शनार्थी किया था, श्री भगवान का दर्शन मंदिर के पट खुलने पर नहीं, अभी माँ के गर्भ से बाहर आने के पहले ही किए थे। इसीलिए जन्म लेने के बाद एक एक व्यक्ति को ध्यान से देखते थे, वो कहाँ है जो मेरी रक्षा के लिए आया था। तो परितः ईक्षण, बार बार ध्यान से देखने के कारण विद्वानों ने इनको परीक्षित कहा। यद्यपि इनका नाम विष्णुरात था, विष्णुराते थी विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई इसके कारण ज्योतिषियों ने इनका नाम विष्णुरात रखा, लेकिन बाद में परीक्षित नाम प्रसिद्ध हो गया। तो महाराज परीक्षित बड़े ही धार्मिक सम्राट थे। उनके विषय में सुत गोस्वामी कहते हैं, मैं एक ऐसे राजा की कथा कहने जा रहा हूँ, किसी छोर से प्रारंभ करूँगा तो कृष्ण कथा निकल जाएगी। जन्म की चर्चा करूँ, कर्म की चर्चा करूँ या मृत्यु की, परीक्षितो अथ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा करते ही भगवान की कथा अपने आप निकल जाए? जन्म की चर्चा करेंगे तो भगवान के द्वारा माँ के गर्भ में रक्षा की कथा कहना ही पड़ेगा। कर्म की कथा कहेंगे तो उन्होंने जो बजनाभ के साथ ब्रजमंडल को सजाया और संपूर्ण देश में जिस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, इसको कहना ही पड़ेगा। और मृत्यु की चर्चा करेंगे तो पूरी भागवत कहना पड़ेगा। तो ये है महाराज परीक्षित, बड़े ही आदर्श भगवान के भक्त और सुप्रसिद्ध वक्ता सुखदेव गोस्वामी, जो संसार के भय से बाहर आना ही नहीं चाहते थे, माँ के गर्भ में ही 16 वर्ष रह गए। स्वयं भगवान को आकर आश्वासन देना पड़ा, तुम पर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वो आए। और आते ही गर्भ से बाहर, आते ही घर से बाहर हो गए, विरक्त हो गए। कोई बहुत ट्रेनिंग के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, बहुत ट्रेनिंग के बाद तब संन्यास लेता है,
और जन्म लेते हैं सन्यासी। तो ऐसे विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी भागवत के वक्ता हैं, जो स्वयं व्यासदेव के पुत्र हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर दोनों के बीच में हुआ है, मैं पूरा भागवत नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन जब नौम स्कंद तक की कथा सुने तो दसम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए, बहुत सारी जिज्ञासा कि आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन तो बहुत सुंदर किया नौवें स्कंद में, और उनमें होने वाले तेजस्वी राजाओं की भी कथा किया, लेकिन जो चंद्रवंश में अवतरित श्री कृष्ण कथा को अति संक्षेप में कहा उससे मुझे संतोष नहीं हो रहा है, थोड़ा डिटेल कहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को हंसी आ रही है कि तीन दिन से ज़्यादा बीत गया, चौथा दिन बीत रहा था, अब जो शेष तीन दिन में क्या कृष्ण कथा सुनेगा। तो फिर भी जिज्ञासा करते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके आप कृष्ण कथा सुनाइए। तो बहुत सारे प्रश्न किए कि भगवान बलराम की गणना दो माताओं के पुत्रों में आपने किया, रोहिणी के पुत्रों में भी और देवकी के पुत्रों में भी, तो ये कहीं व्यक्ति बिना शरीर परिवर्तन किए दो माताओं का पुत्र कैसे हो गए, एक। दूसरी बात, अपने निकटतम संबंधियों से सभी प्रेम करते हैं, भगवान अपने मामा का वध क्यों कर दिए? तो भगवान पर उनका क्लेम नहीं था, कंस के वध का औचित्य क्या है, वो कितना हरामी था, थोड़ा स्पष्ट वर्णन कीजिए। ऐसा नहीं दुनिया वाले ऐसा ना आरोप कर दे कि अरे भाई वो माँ के भाई का मार वध कर दिए, तो थोड़ा उसके दुष्टता का स्पष्ट वर्णन कीजिए कि मारना बहुत उचित था, औचित्य था इसके लिए। तीसरा प्रश्न किए कि भगवान अवतार लेने के बाद कितना साल तक ब्रज में रहे और क्या क्या ब्रज में लीला किए, मथुरा में क्या लीला किया, द्वारिका में क्या लीला किए, भगवान के विषय में सुना कि बहुत विवाह किए, उनके विवाहों की चर्चा कीजिए, क्यों किए, उनके विवाह का क्या औचित्य था, सब लोगों को भ्रम पैदा करने वाली लीलाएं हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। अच्छा, सब कुछ कहते कहते प्रश्न की तो तांता लगा दिए, तब तो अंत में फीलिंग करने लगे कि प्रश्नकर्ता ही वक्ता से ज़्यादा काबिल बन रहा है, क्या पूछना चाहिए क्या। तब कहते हैं कि हे मुने, मैंने बहुत कुछ पूछ दिया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पूछा है वो सबका उत्तर आप दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो बताइए। यहाँ कहते हैं कि एतदन्यश्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम्। हे मुने, मैंने जो कुछ भी पूछा वो कृष्ण के लीला से संबंध रखता हो तो कहिए, वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ सदधानाय विस्तृतम्। अगर वो कृष्ण से संबंध रखता हो तो विस्तार के साथ कहिए, आ यदि नहीं रखता हो तो कोई जरूरी नहीं। कहते हैं कि आप कृपा करके ऐसी कथा भी कहिए, एतद अन्यस्य, जो मैंने पूछा उसके अतिरिक्त भी, एतत मैंने जो प्रश्नों का एक लिस्ट प्रस्तुत किया इसको तो कहिए, नहीं तो अन्यस्य दूसरी भी कहिए जो मेरे हित में हो और जिसका संबंध कृष्ण से हो, अथवा मेरे प्रश्नों का संबंध यदि भगवान से न हो और उसमें मेरा हित हो तो कोई जरूरी नहीं, इसको मत कहिए, आपके दृष्टि में जो मेरे लिए उचित हो वही कहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रसंग पर इस अध्याय के प्रारंभ में एक छोटा सा भूमिका लिखते हैं, हमारे गौड़ी आचार्य हुए हैं बहुत सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भागवत के टीका लिखे हैं दसम स्कंद पर। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह अध्याय बिना जिज्ञासा के प्रारंभ हुआ है, ऐसा और कहीं नहीं हुआ, महाराज प्रश्न किए हैं तो उत्तर, संपूर्ण भागवत में यही एक प्रसंग है जो सुखदेव गोस्वामी अपनी इच्छा से कह रहे हैं। तो शायद यही कारण होगा कि यह महाराज परीक्षित के लिए सबसे हितैषी उपकरण प्रसंग होगा, जो जो सुखदेव गोस्वामी के समक्ष उन्होंने कहा था
कि मेरे हित के अनुरूप आप कहिए, तो शायद यह प्रसंग ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए कह रहे हैं। तो इस अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवात्याम कुरुदह आवासी नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालसा। हे महाराज, भगवान गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका में देवर्षि नारद आया करते थे और आ करके रहा करते थे, क्योंकि वह द्वारिका श्री कृष्ण के भुजाओं से सुरक्षित थी, वहाँ किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, किसी दक्ष के श्राप का भय नहीं था। वहाँ एक दो घंटा नहीं, महीनों रह सकते थे, वहाँ कुछ भी बाधा नहीं था, क्योंकि वह गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित थी द्वारिका। तो प्रश्न हो सकता है कि अच्छा, सुख से रहने के लिए आया करते थे कि वहाँ दक्ष का श्राप बाधित नहीं करेगा, चलो प्रेम से रहेंगे द्वारिका के सुख वैभव में, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज से सोएंगे, इसके लिए? तो कहते हैं नहीं नहीं, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण के उपासना की लालसा। उपासना में दो शब्द है, उप और आसन। उप का मतलब होता है निकट, और आसन माने बैठना, निकट बैठना, भगवान से बात करना, देखना, संपर्क रहना, उनकी कथा सुनना, उनसे कुछ कहना, कुछ पूछना, इसको उपासना कहते हैं। तो इनके मन में यह लालसा थी कि हमको कृष्ण के सान्निध्य मिलेगा, इसलिए आवासित आया करते थे। आया करते पर लिखते हैं कि आवासित मतलब विदा किया जाता था कि आप यहाँ मत रहिए, अरे आप जैसा प्रीचर यहाँ बैठेंगे तो लोगों का क्या होगा। भगवान भेजते थे, नारद जी जाइए जाइए, प्रचार कीजिए भक्ति का, फिर भी आया करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, एक श्लोक कथा कहकर दूसरे श्लोक में कमेंट्री करते हैं। कौन राजन इंद्रिवान मुकुंद चरणाम भुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोतमयी। कौन ऐसा इंद्रिवान व्यक्ति है जो ठीक ठाक इंद्रियों को पाकर भगवान की उपासना नहीं करेगा। मुकुंद चरणाम भुजम, मुकुंद के चरणों की उपासना नहीं करेगा, मतलब भक्ति के सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है कि इंद्रियां ठीक से काम करे, दिखाई दे, सुनाई दे, हाथ पैर ठीक ठाक रहे, बस। न कोई डिग्री डिप्लोमा, न कोई पढ़ाई लिखाई या कोई पद पोजीशन, न धन संपत्ति, न उच्च वर्ण में जन्म, ये सब योग्यता नहीं है भक्ति का। भक्ति की योग्यता है आँख ठीक से काम करे, दर्शन कर सकें, कान ठीक से काम करे, सुनाई दे भगवान की कथा, जीभ ठीक से काम करे, गूंगा ना हो, नाम जप सके, पैर हाथ ठीक से काम करे, बस। न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोतमयी। वह सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसकी इंद्रियां ठीक से काम कर रही है, वह क्यों नहीं भजन करेगा? किसका भजन? तो जो अमरोत्तमयी उपास्य है, देवताओं में जो उत्तम है, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा के जो आराध्य हैं, ऐसे श्री भगवान के उपासना क्यों नहीं करेगा? तो कहते हैं क्यों करेगा, ये जरूरी है क्या? तो कहते हैं कि बाद में कर लेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि अभी जरूरी थोड़े है, बुढ़ापा में कर लेंगे या बाद में कभी कर लेंगे, तो कहते हैं नहीं, सर्वतो मृत्यु, कोई निश्चित नहीं है कब मर जाएगा। सर्वतः मृत्यु, घर में, बाहर, ऑफिस में, दुकान में, रोड पर, सब जगह। बेचारा हिरण्यकश्यपु कितना दिमाग लगाया था, सब जगह मृत्यु है, न घर में मरूँ, न बाहर, न दांत में, न दिन में, न आदमी से, न पशु से, सर्वतः मृत्यु विचार किया था, इसलिए बाउंड बनाया स्पेशल। लेकिन भगवान ने सिंहदेव सारा बाउंड तोड़ दिए, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो सर्वतः मृत्यु, सब जगह मृत्यु लगी हुई है, इसलिए उपास्य अमरोतमयी, भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। तो यह कहकर फिर कथा आगे बढ़ाते हैं अति संक्षेप में। मैं तो और संक्षेप में केवल 2-3 मिनट में पूरा करना चाहता हूँ। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव जी के महल में गए, द्वारिका में रहा करते थे, वसुदेव जी उनका स्वागत किए, देवर से भले पधारे, आसन दिए,
और कहने लगे कि यद्यपि मैंने भगवान की आराधना किया, लेकिन भगवान के रूप सौंदर्य के व्यामोह में पड़कर उनको बेटा बनाना चाहा, उनको भगवान के रूप में आराधना नहीं किया, मेरी बुद्धि उनके माया से हर ली गई, इसलिए उनमें पुत्र भाव रख कर मैंने ठीक से उपासना नहीं किया। तो जो जीव का एकमात्र कर्तव्य है भगवान के प्रति, आप कृपा करके बताइए जिससे मैं भगवान की ठीक से उपासना कर सकूं। तो देवर्षि नारद को हंसी आ गई, जो भगवान को अपना बेटा बना सकता है उसकी उपासना में भी कमी रह गई। तो जैव धर्म के विषय में जिज्ञासा कर दिए, जीव का असली कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, या भगवान के साथ जीव का कैसा संबंध है, किस प्रकार उनकी उपासना किया जाए, उसको जैव धर्म कहते हैं, नित्य धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, भगवत धर्म कहते हैं, अथवा भागवत धर्म कहते हैं, कई पर्याय नाम है। तो जब वसुदेव जी जिज्ञासा किए तो नारद जी सीधे भागवत धर्म का प्रवचन नहीं करते हैं, यही हमारी वैष्णव परंपरा है। वो एक दूसरे जगह की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जिस प्रकार आप प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार की एक बार मिथिला में महाराज जनक, महाराज निमि भगवान ऋषभ देव के पुत्रों से प्रश्न किए थे, नवजोगेश्वर से। तो मैं आपको वही नवजोगेश्वरों का संवाद ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं एक बार महाराज विदेह यज्ञ कर रहे थे अपने राजधानी में, और वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि उपस्थित थे। तो प्राय आया करते थे उसमें भाग लेने के लिए बिना निमंत्रण के भी, क्योंकि वहाँ अपने स्वरूप की चर्चा हो रही है। तो उसी क्रम में भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र, जिनको नव जोगेश्वर कहते हैं, वो उपस्थित हुए। तो उनके आगमन से वहाँ के ऋत्विज, ब्राह्मण सब लोग बड़ा स्वागत किए, महाराज विदेह उनका स्वागत किए, उनको उचित आसन दिए। स्वागत सत्कार के बाद नौ भाई से एक एक प्रश्न किए। तो उनका पहला प्रश्न है, भागवत धर्मान ब्रुत यदि न श्रुते क्षमम, यदि हाँ हमको आप लोग अधिकारी समझते हो तो भागवत धर्म का वर्णन कीजिए। यही प्रपन्न यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मान नम अप्य अजह, जिस भागवत धर्म से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्त के प्रति बिल्कुल कृतज्ञ हो जाते हैं और उसी दासता करने लगते हैं, एकदम अधीन हो जाते हैं। तो उनके प्रश्न का उत्तर सुन, उनके प्रश्न को सुनकर कवि जी बहुत प्रसन्न हुए। पहला कवि हरि अंतरिक्ष, तो कवि जी नवजोगेश्वरों में वो बोलना प्रारंभ किए, बहुत सुंदर बोलते हैं। कहते हैं महाराज, भागवत धर्म वह है जिसको करने के बाद व्यक्ति सर्वदा भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, और उस भागवत धर्म को प्राप्त करने के बाद किसी तरह के इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके, जैसे रिजर्व करा करके, बुकिंग करा कर सीट हम ट्रेन में बैठते हैं और बैठते ही जाकर सो जाएं, तब भी वह उचित स्थान पर पहुंचा देगी। उसी प्रकार भागवत धर्म के आश्रय लेने वाला को न पतन का डर है न स्खलन का, वो धर्म नष्ट नहीं होता, वो नित्य धर्म है, जैव धर्म है। और भागवत धर्म किसको कहते हैं, यवई भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्धये अंजह पुनसाम अविदुषाम विधि भागवता निहितान। यह अद्भुत परिभाषा दे रहे हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता, जो धर्म स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो यवई भगवता प्रोक्ता, जो श्री भगवान के द्वारा बोला गया है, किस विषय में, उपाया ही आत्मलब्धये, जो अपनी प्राप्ति का उपाय श्री भगवान स्वयं अपने मुख से बतलाए हैं, उसको भागवत धर्म कहते हैं, सीधा सा परिभाषा। और अंजह पुनसाम अविदुषाम,
आप विदुषाम का मतलब विद्वान नहीं, विदुषा माने विद्वान, आप विदुषा माने बिल्कुल मूर्ख अज्ञ व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी जिस भागवत धर्म को आसानी से स्वीकार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सरल उपाय, विधि भागवतानहितान, उसको ही भागवत धर्म कहते हैं। विधि माने जानो, भागवतान भागवत धर्म, जो भगवान के द्वारा उपाय बताया गया है बिल्कुल सरल उपाय, अपनी प्राप्ति का उपाय, उसको भागवत धर्म कहते हैं। और इसका पालन कोई भी कर सकता है। अविदुषाम माने साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा, गंवार, निरक्षर, कोई भी इसका पालन कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान बोले हैं अपने विषय में, सुप्रसिद्ध श्लोक है अपनी प्राप्ति का उपाय, कई जगह बोले हैं। उसमें से मैं समझता हूं कि आप सबको याद है, पता है, मनमना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कुरु, चार उपाय। मनमना भव, मन मुझ में लगाओ, कहा जा सकता है इतना आसान है आप में मन लगाना, कहने में तो बहुत आसान है मन मुझ में लगाओ, लेकिन मंदिर में खड़ा होने पर भी मन ऑफिस में, दुकान में, घर में घूमता है, इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मन नहीं लगा सकते हो, मेरा भक्त बन जाओ। आपकी कैसे भक्त बने, अभी तो बहुत की भक्ति कर रहे हैं, स्त्री, पुत्र, परिवार, समाज, जाति, बहुत सारे उपाधियां हैं। मद भक्तो, तो मद्या जी, मेरी पूजा करो, तो आपकी पूजा भी कठिन है, तो माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, चार उपाय बतलाए, मनमना भव, मद भक्तो, मद्या जी, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। अगर ऐसा करोगे, इसको दो बार भगवद गीता में कहना पड़ा, नौवा अध्याय के लास्ट में और फिर अठारहवा अध्याय के लास्ट में, दो बार इस श्लोक को कहे। तो अंत में कहते हैं अठारहवें अध्याय में कि यदि ऐसा तू करेगा, मन मुझ में लगाएगा, मेरा भक्त बनेगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, अथवा चार में कोई एक भी करेगा, तो मैं सत्य सत्य कहता हूँ, कसम खाकर, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम निश्चित मुझको प्राप्त करेगा, निश्चित। मनमना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। नीचे के वाक्य पर विचार कीजिए कि मामे वैश्यसी, मुझे प्राप्त करेगा। तो मानो अर्जुन कहते हैं कि अरे भैया तुम्हारे बात पर क्या भरोसा, सुप्रसिद्ध झूठा हो। तो कहते हैं कि देखो झूठा तो जरूर हूँ, लेकिन अपने लोगों से झूठ नहीं बोला जाता है, तो प्रियोसी में एकदम सीक्रेट बात है, तुम मेरे निकटतम प्रिय हो। हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं जहाँ तहाँ, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, तुमसे नहीं झूठ बोल सकता। और प्रति जाने प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कसम खाकर कह रहा हूँ अर्जुन, विश्वास करो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्यम थे, एकदम सत्य बोल रहा हूँ, प्रति जाने, एक से भी काम चल सकता था। तो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कसम खाकर कह रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय हो, तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, एकदम मैं सही कह रहा हूँ, तुम मेरे पास आओगे। तो अर्जुन से बात कर रहे थे, लेकिन सौभाग्य हम लोगों का है कि व्यास जी उस संवाद को प्रस्तुत कर दिए और हम सभी लोग जान गए उपाय। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी अपने मित्र से बात करता हो कि जाओ वहाँ शिव जी का जो मंदिर है और जो पीपल का पेड़ है, मंदिर के बाएं तरफ पर अगर 2 फुट गड्ढा खोदोगे तो एक सोने का घड़ा मिलेगा और उसमें मुहर भरा होगा, और अपने मित्र से बात करता है, बगल में दूसरा सुन लिया तो उसके पहले दौड़ कर जाएगा ना, उसको जाने से पहले जाकर खोदेगा। तो भगवान इतना सीक्रेट बात कह रहे हैं, गोपनीय बात, कहते हैं मैं गुह्यम बात तुमको बतला रहा हूँ, उसके पहले मैं अब तक जितनी बात कहा उससे सबसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम भूयम में, तुमसे एकदम सीक्रेट बात नहीं कहने वाली, एकदम साए साए भगवान बोल रहे थे, एकदम धीरे धीरे, और व्यास जी उसको भी ओपन कर दिए,
इसके बाद भी किसी को चिंता नहीं है वैकुंठ जाने की। ये देखिए, यह अपने विषय में उपाय बताते हैं, आगे भी कहते हैं, जत करोसी जत स्न्यासी जत जिहोसी ददासी जत जत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम सत्तम कीर्तयन्तो च यतन्तश्च दृढ़व्रताम। ये सारी बात अपनी प्राप्ति के विषय में बतलाए हैं, बहुत सारी बात, उसको भागवत धर्म कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मन भगवान में लगाना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना। तो यह है उनकी प्राप्ति का उपाय। इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में इस श्लोक में भी कवि जी कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा। अभी इस श्लोक पर बार बार देखना पड़ेगा, कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियै इंद्रियों से, वा अथवा बुद्ध्या बुद्धि से, आत्मना अहंकार से। अहंकार भी किसी क्रिया के लिए प्रेरित करता है, मैं टीचर हूँ, मुझे स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का अहंकार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, टीचर का अहंकार पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो अहंकार अथवा अनुसृत स्वभावात, जन्म जन्मांतर का स्वभाव, कुछ ऐसा भी आदत हमारे जीवन में है, कुछ ऐसी भी क्रिया है जो यहाँ नहीं सिखाया जाता, फिर भी वो है पहले से, पूर्व जन्म का संस्कार। जज्जत करोति, जो जो भी करते हो, सकलम परसमयी, सब कुछ परसमयी मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री भगवान, वो कौन है, नारायण आय, नारायण के लिए इति समर्पयेत, समर्पित करते जाओ, बस यह भागवत धर्म है। तो इस प्रकार भागवत धर्म का अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष प्रकार का काम करना पड़ेगा। जहाँ हैं, जिस परिवेश में हैं, जैसा शरीर प्राप्त हुआ है, जैसी वाणी प्राप्त हुई है, जैसी इंद्रियां हैं, जैसी बुद्धि है, उसी को भगवान में लगाना है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु केते भागवता धर्मा, तो ईश्वर अर्पितानि सर्वकर्माणि अपि त्याह कायेनेति आत्मना चित अहंकारेण वा अनुसृतः यह स्वभावस्, तस्मात् अयम अर्थ न केवलम विधितः कृतम अवेति नियम स्वभावानुसार लौकिकम अपि जत करोसी जत स्न्यासी जत जिहोसी ददासी जत। गीता का श्लोक प्रस्तुत करते हुए श्रीधर स्वामी टीका कर रहे हैं, समर्पण जो कुछ भी करो सब भगवान को समर्पण करते जाओ, यही भागवत धर्म है। माने अपने लिए अगर कुछ और काम करें या न करें, भोजन तो रोज बनाना ही पड़ेगा, भोजन बिना तो काम नहीं चलेगा। तो अपने लिए जो भोजन बनाते हो उसी को मुझे समर्पित कर दो, अलग से डीटी किचन बनाओ या मत बनाओ, अपने लिए बनाते हो मुझको अर्पित करके खाओ, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है ना। तो अब जब अपने लिए बनाते हैं तो हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी बनाकर खाते हैं, तो आप खाएंगे? कहते हैं नहीं, हमको अर्पित करने के पहले सोचना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री का चीज हम नहीं खाते हैं। तीन चीज पेड़ से और एक धरती से, जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सुलभ है। पेड़ लगा कर रखो, उसमें पत्ता मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, और धरती में पानी है, बस यही मुझको चाहिए, बहुत पिज्जा पास्ता जुटाने की जरूरत नहीं है। बिगाड़ कर भोग नहीं लगाना है, जो है वैसे ही लगा देना है। तो उसको मेरा टेस्ट मेरा स्वाद समझकर मुझे भोग लगाओ और उसी को खाओ। अब जब कह रहे हैं कि हमको खिला कर खाओ, तो खाने वाला से पूछा जाता है ना, आपका कुछ कोई फेवरेट चीज़ है, क्या खाएंगे, क्या सब्जी पसंद है, क्या पूछा जाता है, उचित तो यही है। खाने वाला से बिना पूछे कुछ बना दें और खाए ही ना, तो गड़बड़ होगा ना। तो इसीलिए वो बतला दिए हैं कि मैं क्या खाता हूँ, क्योंकि कहेंगे कि वो मुझको भोग लगाओ तो आखिर क्या, तो पहले बतला दिए, बहुत आसान चीज। तो कायेन,
कायना का मतलब एक एक शब्द पर, जो शरीर मिला है उसी को कृष्ण सेवा में लगाओ। गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, स्वस्थ हो, रोगी हो, जैसा भी हो उसी शरीर, स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, जैसा है जब जानकारी हो गया तभी भगवान की सेवा में लगाओ, उसे कृष्ण भक्ति में नियोजित करो। वाचा कायेन वाचा, वाचा का मतलब जो बाणी मिली है उसी से कीर्तन करो, उसी से जप करो, उसी को लगाओ। नकल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर का स्वर रहेगा तब कीर्तन करेंगे। जैसी बाणी मिली है उसी बाणी को। और वाचा का अर्थ यह भी है कि जो भाषा जानते हो उसी भाषा में, बंगला में, उड़िया में, भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रजभाषा में, अंग्रेजी में, जो भाषा आपको पता है, जैसा स्वर पता है उसी में गाना चाहिए। कोई कोकिल स्वर की जरूरत नहीं है। इस विषय में एक और छोटा सा जोक महाभारत का है। ऐसा नहीं कि बाहरी चीज़ में नहीं कुछ कहूँगा, महाभारत का एक उदाहरण है कि एक बार भीमसेन को चिंता लगी कि हमको भी संगीत सीखना चाहिए, तो क्योंकि अर्जुन की हर जगह वाहवाही, युद्ध में भी गांडीवधारी अर्जुन, कहीं सांस्कृतिक कार्य होता था तो अर्जुन मृदंग भी फर्स्ट क्लास बजाते थे, गाते भी थे, तो भगवान बहुत प्रशंसा करते, वाह अर्जुन कमाल कर दिया। तो हर जगह अर्जुन की प्रशंसा, भीमसेन तो बड़ा मन ही मन दिक्कत महसूस कर लगे, वो केवल गदा भाजना जानते थे, तो कहे कि हम भी सीखेंगे। तो बड़े बड़े कलाकारों को बुलाए और संगीत सीखना प्रारंभ कर दिए। और वो कहा कि हसनापुर के मेन रिसेप्शन में ही बैठकर सीख रहे थे, तो अब वो सीखते उनको कौन मना करे, अर्जुन का कहाँ हिम्मत मना करने का, और नकुल सहदेव का तो कोई सवाल ही नहीं, और महाराज युधिष्ठिर तो इतने शीली थे, इतने साधु थे कि कुछ कह ही नहीं पाए। तो चारों भाई आपस में मीटिंग किए कि भीमसेन को कैसे रोका जाए यार, कैसे समझाया जाए। तो द्रौपदी को कहा गया कि आप कहो ना, स्थान बदल दे, सीखना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सीखता है दिन रात हारमोनियम मृदंग बजाता रहता, तो थोड़ा सा इसको समझाओ। तो द्रौपदी कही कि संगीत और साधना बड़ी एकांतिक जगह में करना चाहिए, लोगों को आने जाने से डिस्टर्ब आपको नहीं होता है, आप पहाड़ी के नीचे जंगल के पास अभ्यास कीजिए तो अच्छा होगा। तो भीमसेन सोचे ठीक कह रही है द्रौपदी, तो गए, दोनों तरफ पहाड़ी था, उसके नीचे समतल भूमि, वहीं कलाकारों को बुलाते और वहीं अभ्यास करते थे। एक दिन एक धोबी का गधा दो तीन दिन से भूला हुआ था और पहाड़ी के ऊपर खोज रहा था, तो खोजते खोजते बहुत जोर से नीचे आवाज़ सुनाई दिया तो उतर कर आया, सोचा कि हमारा गधा नीचे बोल रहा है। तो आया आया तो भीमसेन पूछे कि तू कैसे आ गया, तो कहा कि सरकार आने के कारण बताने में बहुत भय लग रहा है। तो कहे कि नहीं नहीं भय मत करो, बताओ बताओ। तो कहे कि सरकार तीन दिन से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा गधा खो गया है, और इधर इतना जोर से आवाज आ रहा था तो मैं सोचा कि वही बोल रहा है। तो भीमसेन कहे कि अच्छा, मेरा आवाज गधे जैसा लग रहा था। ओह, अब समझा कि द्रौपदी क्यों मुझको इधर भेजी। थोड़ा सा भीमसेन को समझने में देर हुआ, अब समझ गए कि सीख कर क्या करूंगा जब आवाज ही ठीक नहीं है। तो संगीत सीखने की इच्छा छोड़ दिए भीमसेन। एक घटना, दूसरी बहुत सीरियस घटना है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर सुबह जगते ही भीमसेन को कहे कि भीमसेन तू द्वारिका चले जाओ रथ लेकर, और सूर्यास्त के पहले श्री कृष्ण को लेकर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। उस समय फोन नहीं था, मोबाइल फोन की कर दिया जाए आप आ जाइए, तो भीमसेन को भेज दिए
महाराज युधिष्ठिर कह दिए, तो भीमसेन तो अभी जग कर आए थे, स्नान भी नहीं किए थे, कुछ नाश्ता भी नहीं किए, तो सोचे कि चलो जाएंगे स्नान करके कुछ खा पी कर जाएंगे। तो स्नान करने खाने पीने में भीमसेन भूल गए, भोजन किए तो सो गए, तो अब उनको याद ही नहीं आया कि मुझे द्वारिका जाना है। और दोपहर के बाद थोड़ा सा सूर्य अभी अस्त होने में बाकी था, तब तक महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को देखे, कहे क्या हुआ आ गए श्री कृष्ण? तो भीमसेन कहे अरे भैया मुझे तो याद ही नहीं आया, मैं तो बिल्कुल भूल गया। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत डांटने लगे, मूर्ख कहेगा तुम इतना गैर जिम्मेवार हो, केवल खाना सोना जानते हो, मैं तो तुमको जिम्मेवार व्यक्ति समझकर कहा, अगर अर्जुन को कहा होता तो अभी लेकर आ गया होता, लेकिन तुम इतना लापरवाह। महाराज दुखी हो गए, तो भीमसेन को बहुत बुरा लगा, और भीमसेन को इतना बुरा लगा कि वो जाकर एक रूम बंद करके और रोने लगे, और रोते हुए कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, क्या केवल तुम द्रौपदी के ही पुकार सुनते हो? एकदम रोते हुए, क्या अगर तुम दूर से भी सुन सकते हो तो द्रौपदी जब पुकारी तो दुर्वासा के संकट से बचाने आ गया, साड़ी बढ़ाने आ गया, आज भैया मेरी भी पुकार तो सुन लो। इतना रोने लगे, इतना रोने लगे भीमसेन किवाड़ बंद करके, तब तक कोई व्यक्ति आकर नोक किया, तो कह रही कौन आ गया? तो भीमसेन आंसू पोछते हुए किवाड़ खोले तो एक नौकर था, कहा कि महाराज बुला रहे हैं। लो आज पता नहीं क्या करेंगे, बुला रहे हैं। तो भीमसेन अब तो बुलाए हैं राजा महाराज युधिष्ठिर, तो गए, तो वहाँ गए तो देखे कि युधिष्ठिर के बगल में कृष्ण बैठे हैं। तो अब दूसरा केस लग गया। महाराज कहते हैं भीमसेन तू मुझसे झूठ बोलता है? तो कहते नहीं भैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो पूछो क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? तो ये तो कह रहे हैं कि भीमसेन मुझको बुलाया, इसके बुलाने से आया। तो कहे नहीं मैं नहीं गया था द्वारिका। तो श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने की बात तो कहा ही नहीं, मैं तो यही कहा कि भीमसेन बुलाया। तो कहे भैया भीमसेन एक बात बताऊं? श्री कृष्ण कहे जो तुम संगीत का अभ्यास कर रहा था मुझको प्रसन्न करने के लिए, मैं उस अभ्यास और स्वर को नहीं प्रसन्न करता हूँ। जो रूम में बैठ कर जब ही रो रहा था ना, ऐसे स्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। उस वह कला, बस बस वह कलाकारिता, वह मुझे प्रसन्न नहीं है। मुझे तो करुण पुकार चाहिए, चाहे बाणी मोटी हो, पतली हो, कोकिल बैन हो, और चाहे गधा का आवाज हो, मुझे तो हृदय का पुकार चाहिए। जो बाणी मिला है उसी से कीर्तन करो, उसी से गाना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी कहते हैं यद्वा ननु काये नामेव कर्म आत्मना इत्य संकया अध्यास है। तो मनसा, अब काये न वाचा मनसा, मनसा कलयुग में मन को स्थिर रहना तो और असंभव है, बहुत कठिन कार्य है। संसारिक विषयों का तरंग मन में उठता ही रहता है, और खास करके पूजा पाठ जप के समय तो और ज़्यादा दूसरे जगह जाता है। एक भक्त महाराज एक बार कह रहे थे कि जप करते समय मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, स्विच ऑफ या उसको दूर रखकर ही पूरा करना चाहिए, नहीं तो ये नाम अपराध है। नाम जप कर रहे हैं तब तक मोबाइल अटेंड कर लिए, तो इसका मतलब कि आप महामंत्र जैसे स्पिरिचुअल शब्द का अपमान कर रहे हैं, जैसे बहुत फास्ट चलने वाली राजधानी चल रही हो और उसको रोक करके लोकल पार करने लगे तो अगर होल्ड करना है तो लोकल को रोका जाएगा ना, राजधानी को जाने दिया जाएगा, और राजधानी को रोक कर लोकल पार करें, ये तो निश्चित रूप से नाम अपराध है। नाम जपते समय किसी भी प्रकार के दूसरे बातचीत नहीं करना चाहिए। तो एक भक्त कहा कि महाराज जी उसी समय तो याद आता है दिन भर के काम, तो उस समय फोन न करें तो फिर याद ही नहीं आएगा।
एक बार एक व्यक्ति मुझसे पूछा झांसी में कि प्रभु जी सचमुच उसी समय याद आता है, तो मैं कहा कि मोबाइल ना रख करके कागज और कलम रखिए, कम याद आएगा तो नोट कर लीजिए, इसे फोन करना है, उसके पास फोन करना है, बाद में जब पूरा करने के बाद कर लीजिएगा। तो कहे हाँ ये भी एक उपाय है। तो इस प्रकार मन में विविध प्रकार की बातें आती हैं। एक और छोटी सी घटना, एकदम सत्य घटना बतला रहा हूँ, विचारणीय कलयुग के लोगों की मानसिकता क्या है। बिहार के एक गांव में, जो वहाँ से हाईवे NH2 ग्रैंटर रोड गुजरती है, वहीं बगल में 3 किलोमीटर पर गांव है, एक सेंटर महाराज का जन्मभूमि है। तो वहीं पर भक्त लोग थे, महाराज भी उस समय थे, तो एक छोटी सी नहर है, शाम के समय वो जप कर रहे थे, लगभग 5-6 बजे शाम, गर्मी का दिन था। तो एक बूढ़ा, लगभग 87 वर्ष का बूढ़ा, नहर के एक पुल पर बैठा हुआ 1 घंटा से उधर GT रोड की तरफ देख रहा था। तो महाराज सुना रहे थे, मैं भी चला गया उधर, तो फिर महाराज सुनाए कि देखिए लोगों की स्थिति। तो महाराज उसके पास गए, कहे कि आपको नाम जपना चाहिए, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 1.5-2 घंटा से यहाँ बैठे हैं। तो कहे वहीं एक छोटी सी नदी है, कुदरवा नदी, उस पर छोटा सा पुल है, GT रोड वहाँ से जाती है। तो कहा कि साधु जी, मैंने भोजपुरी में कहा, मैं तो उसको हिंदी में कह रहा हूँ, साधु जी हम यही सोच रहे हैं कि दोनों तरफ से, पूरब से पश्चिम से, इतने ट्रक बस कार जीप सब चल रहे हैं, और अचानक के पुल टूट जाता तो दोनों तरफ से गदगद गदगद उस नदी में गिर जाते, देखने में बड़ा मजा आता। तो महाराज कहे कि बाप रे। महाराज कहे शाम को आकर सत्संग में कथा के समय कहे कि देखिए कलयुग के लोगों की दुर्दशा, 87-87 वर्ष का बूढ़ा सोच रहा है कि गिर जाता तो देखने में मजा आता। तो महाराज कहे कि मैं तो अभी एक मिर्गारी का नाम सुना था, अब तो मिर्गारी के बाप निकले। वो तो पशुओं को मरने में, जब नारद जी पूछे कि अर्ध मरा क्यों छोड़ते हैं, तो मिर्गारी उतर दिया, अर्ध मरा जीव जब धड़ फड़ करे तबे ता आनंद मोर बढ़े अंतरे। जब जीव हाथ पैर पीटता है तो देखने में मजा आता है। तो महाराज उनको कहे कि अगर उसी बस में, पूरब से आने वाली बस में उनकी बेटी एक सासाराम थी, तो गांव के थे महाराज, उनको जानते थे, पूरा संबंध में भाई भी लगते थे। तो कहे कि आपका सासाराम वाला जो दामाद है, अगर एक बस से आ रहा हो, आप देखने के लिए गए और तब तक वही गिर कर छटपटा रहा हो, तब कैसे मजा आएगा। तो कहे ऐ साधु जी ऐसी बात मत कहिए। तो कहे कि आपका दामाद छटपटाएगा तो बुरा हो गया, बाकी लोग मरेंगे गिरेंगे नदी में तो मजा आएगा। ये है कलयुग के लोगों को सोचने का स्टैंडर्ड। खूब वायुवान दुर्घटना हो गई, कार दुर्घटना हो गई, केदारनाथ में महाप्रलय का दृश्य TV में देखने में कोई टेंशन नहीं, मजा ही आया। घर बह रहा था, ट्रक जीप कार बह रहे थे, लेकिन उसमें अपने लोग बहे होंगे ये बहुत दिक्कत है। ये है लोगों की मानसिकता, टेंडेंसी। और कलयुगी लोग इसी तरह की बात सोचते रहते हैं, किसका हानि हो जाए, बिगड़ जाए, ये हो जाए। इसलिए मन को भगवत विषय की योजनाओं में लगाना चाहिए। एक महात्मा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति अनजान में, जानबूझकर नहीं, और रोज जाता था बाहर शौचादि के लिए पानी लेकर, तो एक बट वृक्ष था, वहाँ वो कुछ पानी बचता तो गिरा देता था, और वहीं पर एक प्रेत रहता था, मुसलमानी प्रेत जीन। तो एक दिन वो प्रकट हो गया, कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं कई दिनों से प्यासा था, आप मुझको पानी पिलाए, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो वो तो घबरा गया आदमी कि क्या चाहिए, जल्दी बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। तो कहे कि थोड़ा सा समय दो। तो हाँ हाँ सोच लो जल्दी। तो कहा कि हमारे लिए खूब फर्स्ट क्लास घर बनवा दो। तो कहा ठीक, बन गया, अब बोलो क्या चाहिए।
जल्दी सब कुछ कर देता था, तो ये कर दो वो कर दो, अब तो आदमी एकदम परेशान हो गया, कहता जल्दी बतलाओ नहीं तो खा जाऊंगा, हर काम तुरंत कहता था, कुछ काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो बड़ा बुद्धिमान था, कहा एक बांस लाओ उसको गाड़ दो नीचेगा, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, जब तक मना ना करो तब तक चढ़ते उतरते रहो, जब तक मैं रोकूंगा आकर कि बस हो गया तब रुकना नहीं तो चढ़ो। तो ये मन जो हमारा है ना, उसी शैतान जीन की तरह है, इसको जब तक काम नहीं देंगे तो कुछ न कुछ खाने के चक्कर में पड़ेगा। तो इसके लिए यही माला है, इसमें 108 दाने के मान मन के पर मन को लगाइए, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इंद्रियवा माने इंद्रियों से, जो हाथ पैर आदि हैं उनको परिक्रमा करने में, जप करने में, कीर्तन करने में, मंदिर मार्जन करने में, दर्शन करने में, प्रसाद सेवन में, प्रसाद खाने में लगाना चाहिए हरिनाम उच्चारण। तो कभी कभी कोई कहते हैं कि जीव से हम उच्चारण करते हैं अगर मन नहीं लगे तो भागवत कहता है कोई जरूरत नहीं मन लगाने का, केवल जिह्वा के अग्रभाग से अगर नाम उच्चारण हो रहा है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। माता देहूती कहती है, अहो बतः स्वपचतो गरियान जह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष तपस्ते जिहु सस्नुवार्जा ब्रह्मान चूर्णाम गृणंति जेते। इसका अर्थ यह है कि अहो आश्चर्य है, बत बत का मतलब आश्चर्य है, स्वपचो स्व तलाबी स से स्व, स्व का मतलब कुत्ता स्वान, आ पच माने पचाने वाला, जो कुत्ता खाकर हजम कर जाए उसको स्वपच कहते हैं चंडाल। तो हो स्वपचतो गरियान, कुत्ता का मांस खाने खाने वाला वह चंडाल श्रेष्ठ है गरियान। क्यों गरियान क्यों श्रेष्ठ है? जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि उसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर नीचे कहते तेपुष तपस्ते जुहु सस्नुवार जा ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंति जेते, उसने सारी तपस्या कर लिया, सारा तीर्थाटन कर लिया, सारे वेदों को पढ़ लिया, सबसे बड़ा दाता है, सब यज्ञ हवन कुछ सब कुछ कर लिया, तेपुष तपस्ते जुहु सस्नुवार जा ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंति जेते, जो जिह्वा के अग्रभाग पर नाम उच्चारण करता है उसको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना बाकी नहीं है। एक टीकाकार लिखे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज है, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश, उसके विषय में अगर प्रश्न करें कि जज साहब हाई स्कूल पास हैं, ये बात पढ़े लिखे हैं, भारतीय संविधान जानते हैं, वकालत जानते हैं, सारा प्रश्न बेकार, जो एकदम पढ़ा लिखा बेस्ट क्वालिफाइड है वही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज बन सकता है। जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है इसका मतलब वह सारे तीर्थों में स्नान करके परम पवित्र है, सारा यज्ञ कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, सबसे बड़ा पवित्र व्यक्ति है, बिना पवित्रता के नाम उच्चारण नहीं होता है। तो अब मन लगाया है, ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण है, बिना मन लगाए जप होता ही नहीं। एक बात आपको बतलाऊं, इंद्रियां कोई भी अपने से काम नहीं करती है बिना मन के। अगर मैं अभी बोल रहा हूं, आपका मन कहीं घड़ी पर है और कहीं जाने के योजना में है, तो कुछ देर के बाद कहेंगे क्या बोले प्रभु जी, कान बंद नहीं किए हैं, या बात करते कहते कहते प्रभु जी प्लीज अगेन क्या क्या बोले फिर से बोलिए, अरे तू कान थोड़े बंद किया था क्यों नहीं सुना, तो प्रभु जी थोड़ा सा मन दूसरे तरफ चला गया था। तो मन दूसरे जगह चला गया तो कान खुला हुआ भी बंद हो जाता है, और कभी कभी रास्ते पर कोई व्यक्ति बैठा है पूछ दीजिए, इधर एक ब्रह्मचारी गए लाल पन, पता नहीं मैं ध्यान नहीं दिया, वो आँख बंद करके नहीं खड़ा था, उसका ध्यान कहीं दूसरे जगह था इसलिए नहीं देखा, मतलब मन दूसरे जगह था इसलिए आंख से दिखाई नहीं दिया। और ऐसे मन एकाग्र वाले को दत्तात्रेय जी गुरु बना लिए हैं, एक
बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, उसको नुकीला करके देख रहा था बार बार, और उसी से राजा की सवारी चली गई, उसी रोड से रथ गया, हाथी गए, घोड़ा गया, बाजा गाजा सब चला गया। एक आदमी आकर पूछता है, भाई साहब यहाँ से राजा की सवारी गई? भाई साहब वो सुन ही नहीं रहा था, भाई साहब राजा की सवारी गई? पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। तो बगल में दत्तात्रेय जी कहे कि यही मेरा गुरु है। ऐसे ध्यान भगवान में एकाग्र रहना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है कुछ पता ही न चले। मैं मायापुर था अभी जनवरी में, दिसंबर में एक ब्रह्मचारी गया, तो मैं अचानक उससे पूछ दिया कि क्या हो रहा है दिल्ली सरकार के, किसकी सरकार बनी? तो कहा, पता नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जानता। मैं उससे प्रश्न करके खुश हुआ उसके उत्तर से, और अपने प्रश्न पूछने पर लज्जित भी हुआ। उसके उत्तर से खुश हो गया कि वास्तव में ठीक है, दिल्ली से आ रहा है, इसको पता ही सचमुच पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। वो रेडियो सुने, अखबार पढ़े, टीवी देखे, तब ना कुछ उसे मतलब, मंदिर से निकल कर आ गए मायापुर, कुछ पता नहीं। और मैं जिज्ञासा करके बाद में बड़ा मन ही मन लज्जित हुआ, उसे कहा नहीं, कहा कि देखो मेरा एक स्टैंडर्ड कि मैं पूछ रहा हूँ वो कह रहा है मैं जानता नहीं। तो इस तरह से समाधि में मन रहे, तो मन जब तक साथ न दे इंद्रियों का तो जप नहीं हो सकता है। आप सोचे कि जप यंत्रवत नहीं होता है, और इसको कहते हैं नाम सुमिरण। जब हर नाम को, हर महामंत्र को सुनते हुए जप करते हैं तो यही है समाधि चिंतन, सुन सुनकर। नाम जपने में जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसको सुनते जाएं, क्या बोल रहे हैं, और कुछ नहीं सोचना है। कभी कभी लोग कहते हैं उस समय भगवान की लीला स्मरण करें, रूप स्मरण करें। अरे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में है, और उनको आँख से नहीं देखना है, कान से देखना है, और जीभ से, जीभ से बोलना है, कान से सुनना है। अगर इस तरह से हम नाम जपते हैं तो अपराध रहित नाम जपेंगे। तो इस प्रकार ये है इंद्रिय युवा, इंद्रियों को लगाना, कान को, जीभ को, हाथ को, पैर को, और बुद्धिया, बुद्धिया मानी बुद्धि से, जैसी बुद्धि है, कोई IIT करके आया है, कोई PhD किया है, कोई DLIT किया है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, खूब फर्स्ट क्लास रसोईया है, कृषक है, गोपाल है, पेंटर है, प्रवक्ता है, शिक्षक है, तो सबके बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में है, उस योग्यता का उपयोग हो जाएगा भगवान के पास, सेवा किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्लास बोलना जानता है तो भगवान की कथा बोले। वास्तव में संपूर्ण कलाओं को भगवत सेवा में समर्पित किया जा सकता है, यह है भागवत धर्म। सबका स्कोप है भगवान की सेवा में। आत्मना का अर्थ है अहंकार से, भजन कम होने पर भी अहंकार रहना चाहिए, मैं कृष्ण का हूँ, मैं इस्कान का भक्त हूँ। जानते हैं अगर आपके मन में यह अहंकार है तो आपकी सुरक्षा वैसे होता है जैसे विवाहिता स्त्री की सुरक्षा हो जाती है। अगर जैसे विवाहिता की मानसिकता की सुरक्षा हो जाती है, मैं किसी एक की हूँ, फिर वो अन्य दूसरे पुरुषों में नहीं जा सकती, वैसे अगर किसी को यह अभिनिवेश हो कि मैं इस्कान का हूँ तो इस्कान के सिद्धांत को, अब वो साईं बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। गणेश साईं तो हनुमान साईं तो साईं, विट्ठल साईं, पता नहीं कितने साईं हो गए, तो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा वो। अन्य देवी देवता, अन्य मत मतांतर, पाखंड, कलयुग में पाखंड बहुत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे बरसात का वर्णन कर रहे हैं 20वें अध्याय में 10वें स्कंद के, तो कहते हैं निशा मुखे सुखद देवता तमसा भांति नग्रहा जथा पापे न पाखंडा नहीं बेदा कलौ जुगे। उनको सबसे बेस्ट उदाहरण मिला। कहते हैं कि शाम के समय बरसात में जब ग्रह और नक्षत्र बादल से दिखाई नहीं देते, आकाश में तारे भी नहीं दिखते, घोर बादल छाया रहता है और सूर्यास्त हो गया,
तो सारे प्रकाश पुंज बंद हो जाते हैं, आकाश में भी नहीं देखते। यथा कहते हैं कि निशा मुखे सुखद देवता, निशा का मुख जब आता है अंधेरा तो सारे ग्रह नक्षत्र नहीं देख, तमसा भांति न ग्रह, ग्रह तारे और चंद्रमा नहीं दिखते, चारों तरफ बादल घेरा रहता है, अमावस्या की रात्रि है तो उसमें भी प्रकाश दिखते हैं ज्यादा। क्या दिखते हैं? खद्योत जुगनू, वो एक कीड़ा होते हैं बरसाती, चुकचक चुकचक प्रकाश देते हैं, एक दो नहीं हजारों दिखते हैं पेड़ों पर जहां तहां चुकचक, लेकिन उस प्रकाश से किसी का काम नहीं चलता है। वो तो प्रकाश दिखते हैं पेड़ों पर, कीड़े जब पंख फैलाते हैं तो थोड़ा लाइट आता है, लेकिन वो लाइट कैसा होता है तो उदाहरण देते हैं, जथा जैसे पापेन पाखंडा, पाप और पाखंड बढ़ जाने से नहीं बेदा कलौजुगे, कलयुग में भागवत धर्म वैदिक धर्म नहीं दिखता, पाखंड धर्म दिखता है, गुरु नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बीबी नाम केवलम, हरे नाम केवलम दिखता ही नहीं। देखिए ये है तमाशा, ये है पापे न पाखंडा, उनको यही सबसे बेस्ट उदाहरण मिला। जैसे कलयुग में पाप और पाखंड के अंधकार में भागवत धर्म नहीं दिखता, वैसे बरसात के अंधेरे में ग्रह और नक्षत्र नहीं दिखते, जुगनू दिखते हैं, खद्योत दिखते हैं। तो इस प्रकार जब भागवत धर्म के शरण ले लेंगे तो पाखंडियों के चक्कर से बच जाएंगे। अहंकार से होता है, देहात्म बुद्धि के कारण अहंकार होता है। अहंकार का कमाल बतलाऊं? 6-6 घंटा बैठकर क्रिकेट मैच देखते हैं कि हमारा भारत जीतना चाहिए, दोनों शिफ्ट दोनों तरफ का मैच देखना पड़ेगा ना, एक तरफ से नहीं होगा, तो 6 घंटा लगेगा कम से कम। तो सारा काम धंधा छोड़कर क्यों देखते हैं? मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान को हारना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए। एक बार एक रिक्शा वाला दिल्ली मुझको कहा, कुछ जो देना हो दे दीजिए महाराज, बैठिए चलिए पहुंचा देता हूं मंदिर। मैं कहा बतलाओ तो क्या लोगे? अरे दिमाग खराब हो गया, 6-6 घंटा मैच देखा और हार भी गए भारत। गाली दे रहा था और बहनी कराइए बैठिए जो देना हो दीजिए, बोल ही नहीं रहा था क्या ली। तो मैं कहा अरे भाई बतलाओ। अरे गुरु जो दे दी है, भोजपुरी में बोलने लगा, बनारस टाइप तरफ का था। तो मैं कहा कि बतलाओ तो सही, क्यों मैच देखा? अब रास्ते में चलते, अरे क्या कहें, कहीं तू गरीब आदमी मैच क्यों देखा, तुमको क्या मिला? अब रास्ते भर उसको समझाते रहा, डांटते, मैं भी भोजपुरी बोलने लगा तो और खुश हो गया। आप कहाँ के हो गुरु, कहाँ के हो? मैं हाँ मैं बनारस के हूँ। तो और खुश हो गया। बात करते हुए मैं उसको कहा कि देखो यहाँ संडे को प्रोग्राम होता है, कल संडे है, कल आओ और मैं यहाँ मिलूँगा। और सचमुच आया, उसको माला झोली भी दिलवाया। तो अब इस तरह से उसको कान पकड़वाया भगवान के सामने, आज से क्रिकेट नहीं देखना। इस प्रकार एक मैं ये बतला रहा था कि ये अहंकार है, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू सपोर्टर को वोट नहीं दूंगा। तो यह इस तरह के देहात्म बुद्धि, यह पोजीशन असीमित अहंकार, असीमित अहंकार है। तो इसके कारण व्यक्ति की क्रिया प्रभावित हो जाती है, वो जो कुछ करता है। तो उसी प्रकार अगर अहंकार हो कि मैं कृष्णदास हूँ तो हमारी क्रिया भी इस रूप में हो जाएगी। हमको मंगला आरती जाना चाहिए, हमको जप करना चाहिए, हमको संडे प्रोग्राम में आना चाहिए, यह स्वरूपगत अहंकार है। और एक कवि कहा है, अस अभिमान जान जन भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं यह स्वरूपगत अहंकार है। क्या? यह अभिमान जानी जन भोरे, यह अभिमान कभी भी जाने मत दो, मत भूलने दो। क्या? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी रघुपति के पति भगवान श्री राम है। तो इस रूप में यह है आत्मना अनुसृत स्वभावात्। अनुसृत स्वभाव का मतलब अनेक जन्मों का आदत, था कीर्तन करना चाहिए, प्रचार अध्ययन प्रवचन अर्चन
मंदिर मार्जन ये सब स्वभाव जो भी है उसको करना चाहिए। और देखिए स्वभाव जो है स्वरूपगत, वो स्वभाव सांसारिक वातावरण से भावनाओं से दूषित हो गया है, हम गलत भावनाओं में पड़ गए हैं। इसलिए सही भावना जो हमारा स्वरूपगत अहंकार है कि हम कृष्णदास हैं, इसका रिपीटेशन होना चाहिए बार बार। इसके लिए उदाहरण देते थे श्रील प्रभुपाद, एक बंगाल में देवी के भक्त बहुत हैं, देवी काली माई का भक्त, तो वो लोग नवरात्र में, अभी नवरात्र चल रहा है, दोनों नवरात्र में, एक अश्विन नवरात्र एक ये नवरात्र है चैत पक्ष का, तो दोनों नवरात्र में भगवान राम को तिरोहित करके देवी की वरीयता देते हैं, देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे, खूब पूजा करेंगे और बकरा चढ़ाएंगे, उसको बलि देंगे। तो एक पंडित जी देवी के पुजारी थे, गए एक बकरी के मेमना को, छोटा बच्चा को खरीदे देवी के लिए, देवी के यहाँ बलि चढ़ाना है। तो अब देवी का ये भोग है, अर्पण करना है, इसलिए प्रेम में उस बकरे को कंधे पर ले लिए, छोटा सा था। तो तीन ठग विचार करने लगे कि पंडित जी से बकरा लेना है किसी उपाय से। तो क्या किए कि जहाँ से वो बकरा खरीद कर जा रहे थे, उनका गांव 3 किलोमीटर था, तो तीन जगह तीनों खड़ा हो गए एक एक किलोमीटर पर। तो खड़ा होकर एक सेटिंग कर लिए क्या कहना है, तो कहे बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे बाबा आज कुत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं आप, ब्राह्मण होकर इतना यशस्वी पवित्र और कुकुर कंधे पर लिए हैं, बंगाली प्रभुपाद कुकुर कहते, कुकुर लेकर जा रहे हैं, ये कुत्ते क्यों लिए हैं? तो कहे तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है, मैं देवी के लिए बकरे का बच्चा, बकरा का बच्चा एकदम बाबा कुत्ता है, आप ऐसे भ्रम मत कीजिए, एकदम कुत्ता है, लगता है कि आप गलती से बकरा का बच्चा समझकर कुत्ते को कंधे पर ले लिए। तो कहे अच्छा ठीक है हम कुत्ता ले जा रहे हैं, जाओ। पहले को तो नहीं दो के चले गए, दूसरा मिला बाबा प्रणाम, अरे आज कुत्ता क्यों लेकर जा रहे हैं बाबा? तो उनके मन में डाउट हो गया, सचमुच कुत्ता है क्या? तो कंधा पर से उतारे, उतार करके उसका मुंह देखे, कान देखे सब, तो कहे कि दम बकरा है, कुत्ता कैसे कह रहा है? कहते तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो बाबा एकदम कुत्ता है, आपको बकरा लग रहा है क्या? तो कहे कि चलो हम कुत्ता ही ले जाएंगे, फिर कंधे पर लेकर चले। तीसरा मिला तो कहा बाबा प्रणाम, ये कुत्ता क्यों लिया है बाबा? और तो पंडित जी दिक्कत में पड़ गए कि भाई एक व्यक्ति कहता तो चलो मजाक किया, दूसरा कुछ बोलता, तीसरा भी बोल दिया, इसका मतलब हमको ही भ्रम हो गया, अगर हम गांव में जाएंगे तो सारे गांव वाले हंसेंगे, लगता है कि कुछ गलत फहमी जरूर हो गया, तभी ना तीन आदमी टोक दिया। तो उस बकरे के बच्चे को वहीं छोड़कर पंडित जी अब चले गए, और इसी ताक में थे वो तीनों, पकड़ लिए ले गए बकरे। तो प्रभुपाद जी इस कथा को कहते थे और कहकर कहते थे, जरा विचार कीजिए कि पंडित जी की सही धारणा गलत बात के रिपीटेशन से बदल गई। उनकी धारणा सही थी कि ये बकरा का बच्चा है, लेकिन जब गलत चीज का रिपीटेशन हुआ तो गलत धारणा, बस सही धारणा बदलकर उस गलत धारणा में पंडित जी भी हो गए। तो हम लोग सही बात का रिपीटेशन करेंगे तो क्यों नहीं समाज के लोग समझेंगे, क्यों नहीं? अगर हम ये बतलाएंगे कि मैं कृष्णदास, आमी कृष्णदास, अगर जीवे रस स्वरूप है कृष्णे नित्यदास, कृष्णे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, अगर हम इसका प्रचार करेंगे कि मैं कृष्णदास हूँ, कृष्ण सेवा हमारा स्वरूपगत कर्तव्य है, तो क्यों नहीं लोग समझेंगे? कमी क्या है कि गलत बात का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए लोग गलत भावनाओं में पड़ते जा रहे हैं। तो हम कृष्ण भक्तों को, कृष्ण भावना भावित भक्तों का कर्तव्य है कि सही चीज का रिपीटेशन करें। यह है अनुसृत स्वभावत, जो बिगड़ी हुई गलत आदत है उसको सुधारने के लिए जब जोरदार प्रीचिंग करना पड़ेगा। तो इस असत्य की पुनरावृत्ति से सत्य तिरोहित हो गया है, तो सत्य की पुनरावृत्ति करेंगे तो असत्य भी तिरोहित होगा। तो परस्मयी का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान, उनको सर्वस्व समर्पण करना, यह है भागवत धर्म। तो यहाँ कह रहे हैं कि
परसमय, वो परसमय कौन है? नारायणाय, नारायण के लिए इति समर्पयेतत्, इस प्रकार समर्पित करता चले। तो इस समर्पण को प्रति क्षण प्रतिदिन अपने अभ्यास में रखना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए करें, बिना बातचीत करते तो नहीं रह सकते, तो कृष्ण के विषय में बात करें। बोलना ही है तो कृष्ण का नाम बोलें, देखना ही है तो कृष्ण के भक्तों को देखें, मंदिर में देखें, भगवान की सुनना ही है तो भगवान की कथा सुने, खाना जरूरी ही है तो कृष्ण प्रसाद ही खाएं। तो यह है भागवत धर्म, इसको कहते हैं भागवत धर्म। भगवत धर्म या नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, सनातन धर्म। देखिए धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सीधा साधा अर्थ कर्तव्य। तो हमारे अनेक कर्तव्य हैं, तो सारे कर्तव्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक को नित्य कर्तव्य, एक को नैमित्तिक कर्तव्य। नित्य कर्तव्य का मतलब जीव नित्य है इसलिए उसका कर्तव्य भी नित्य है, वो है नित्य धर्म। कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, यह कृष्ण की दासता नित्य कर्तव्य है। और नैमित्तिक कर्तव्य का अर्थ है किसी निमित्त से, किसी हेतु से, किसी कारण बस कुछ धर्मों को करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करना है। कब तक स्कूल में है? तब तक। अगर वह स्कूल से बाहर हो गया तो धर्म बदल गया, अगर वही टीचर हो गया तो दूसरा धर्म हो गया, स्टूडेंट वाला धर्म नहीं है। तो इसी तरह के नैमित्तिक धर्म वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये नैमित्तिक धर्म है। मनु महाराज ने मानव समाज की व्यवस्था के लिए संविधान दिया, जैसे सरकार अपनी संविधान घोषित करती है, भारतीय संविधान, उसी प्रकार मनु महाराज ने मनु संहिता में संविधान दिया वर्णाश्रम का। तो जो ब्रह्मचारी है तो उसका अलग धर्म, जो ही विवाह किया बस धर्म बदला, वो परमानेंट धर्म नहीं है, टेम्पोररी धर्म है, बदल गया, ठीक विपरीत हो गया। वानप्रस्थी है तो गृहस्थ का धर्म ब्रह्मचारी का धर्म बदला, सन्यासी है तो सारा धर्म बदल गया। तो इस प्रकार से बहुत धर्म है, घर में कुछ धर्म, बेटा बेटी से दूसरा धर्म, पत्नी के साथ दूसरा धर्म, बाप के साथ दूसरा धर्म, माता के साथ दूसरा धर्म, आसपास पड़ोसियों के साथ दूसरा धर्म, देश के साथ दूसरा, बहुत सारा धर्म है। तो इस धर्म को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं, इसको, इस धर्म को औपचारिक धर्म या फॉर्मालिटी धर्म कहते हैं, बस ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें। इसीलिए भगवान कह दिए कि तुमसे होगा ही नहीं, अरे यार छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तुम किस किस धर्मों के चक्कर में पड़ोगे, तुमसे पूरा ही होने वाला नहीं है, छोड़ दो। कहेगा कि छोड़ दें, विवाह करके आए, स्त्री घर में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, संन्यास ले लो, क्या हो जाएगा? पाप लगेगा, निश्चित लगेगा। अहम तो सर पापे भो मोक्ष ही स्वामी माँ सुचा, टेंशन ही मत लो, मैं देख लूंगा। भगवान इस आश्वासन दे रहे हैं, खूब गीता में भाषणबाजी किए, अपने नित्य धाम में गए तो विचार करने लगे कि लेकिन इसको अप्लाई कैसे किया जाए। सैद्धांतिक प्रवचन से काम नहीं चलेगा, थ्योरिटिकल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसके लिए उनको आना पड़ा भक्त के रूप में। और 16-17 वर्षीय पत्नी और 70-72 वर्षीय माँ को छोड़कर संन्यास लिए, यह है सर्वधर्मान परित्यज। मैं यह प्रवचन इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, संन्यास लेने के लिए नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर नैमित्तिक धर्मों में कुछ कमी बेसी हो गई तो चलेगा, लेकिन नित्य धर्म को नहीं छोड़ना है, यह पक्का। नारायण एतत् समर्पय, नारायण एति समर्पयेतत्, नारायण के चरणों में ही समर्पण करना है, यह है नित्य धर्म। और काम में कमी बेसी चल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति किए बिना नहीं चल सकता। और यह धर्म बदलता नहीं है, नित्य धर्म नहीं बदलता है। इसको माता के गर्भ में किया जा सकता है, बचपन में किया जा सकता है, जवानी में किया जा सकता है, बुढ़ापा में किया जा सकता है, मृत्यु के बाद भी किया जाता है। यह भारत में भी उसी तरह लागू होगा, अमेरिका में भी उसी तरह, इंग्लैंड में भी उसी तरह, स्वर्ग में भी, वैकुंठ में भी उसी तरह।
जो न किसी काल से बदलता है न किसी स्थान से बदलता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। इस धर्म के आचरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई स्थान सीमा नहीं है, कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सबके साथ एक जैसा लागू होता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में भजन स्वीकार किए, परीक्षित महाराज माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किए, ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में कृष्ण को प्राप्त किए, और खटवांग महाराज अपने जीवन के लास्ट में केवल 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त किए मृत्युशैया पर। तो इस तरह से कभी भी किसी भी समय जब ज्ञान हो जाए तभी से भागवत धर्म स्वीकार करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई स्थान का भेद नहीं, कोई आयु का भेद नहीं है। कौमार आच्छेदित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हा, वो भी भागवत धर्म कर रहे प्रहलाद महाराज, धर्मान भागवतानि हा, क्यों दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। असुर बच्चे कहते हैं प्रहलाद बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कहते हैं भैया इसकी गारंटी नहीं कि तुम्हारी बुढ़ापा आएगी ही, कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए तुरंत स्वीकार करो। तो कहते हैं क्यों हम उनको स्वीकार करें, क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं, वो हमारे बंधु हैं, निकटतम हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है प्रहलाद महाराज का। तो यह है भागवत धर्म और यह सबका धर्म है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए जीव मात्र का धर्म है, इसलिए जैव धर्म है। केवल मनुष्य में हिंदू मुसलमान की बात क्या, इसको बंदर भी कर सकता है, इसको वृक्ष भी कर सकता है, इसको पक्षी भी कर सकता है। गरुण भी भजन करते हैं, हनुमान भी भजन करते हैं, सुग्रीव भी करते हैं, ऋक्षराज जमवान भी करते हैं, जो भी इस भजन को स्वीकार कर सकता है वो कर सकता है यह भजन। लेकिन सबसे बेस्ट क्षमता है मनुष्य के पास, बंदरों के पास वो क्षमता नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से वो लोग भजन कर लिए, लेकिन गरुण के पास वो क्षमता है, लेकिन सभी पक्षियों में नहीं है। काक भुसुंडी भजन किए कौए के शरीर में, उनसे पूछा गया कि अब कौए के शरीर में क्यों संतुष्ट है, कहते इसी शरीर में कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त है, तो मैं मनुष्य के शरीर का इंतजार करूं, यही बेस्ट जीवन है, यही मुझको भगवान राम की स्मृति हो रही है। तो इसलिए हाथी शरीर में भी भजन किया गजराज, किसी भी शरीर में। तो इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई आयु भेद नहीं है, किसको करना है। तो यह है भागवत धर्म, और सीधा सा भागवत धर्म है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको भगवान को समर्पित करके करें। ऐसा मानसिकता न बना लें कि हम अपना काम तो ठीक ठाक करते हैं, किसी का चोरी नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी का बेईमानी नहीं करते, हमको अलग से भगवान की क्या भजन करना है। गृहस्थ तो ऐसे ही बड़ा भारी धार्मिक है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये चोरों का सिद्धांत है। चोर लोग एक घर में जाकर 4-5 चोर चोरी किए और सोना चांदी रुपया पैसा जुटा लिए, कई घरों से लाकर एक जगह बैठे बंटवारा करने के लिए। तो ये कहा देखो भाई ईमानदारी से बांटना, सब लोग काम किए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर ठीक ठीक बराबर बराबर ईमानदारी से बांट ही दिया जाए तो उसमें कितना ईमानदारी, टोटल माल बेईमानी का और बीच में ईमानदारी आ गया। अगर उसको एक ही व्यक्ति ले ले तो क्या दिक्कत है, जब वो चोरी है, चोरी का है, दूसरे का माल है, तो फिर बीच में ईमानदारी क्या क्रिएट कर रहे हो। तो तुम ऐसे बड़े बेईमान, हवा भगवान का, सूर्य का प्रकाश भगवान का, धरती भगवान का, और बीच में ईमानदार बन गया बिना उनको बताए। और कोई गल्ला धान गेहूं का ढेरी रखा है कि कोई किसान, और वो चला गया कहीं घर पर, एक व्यक्ति आकर कहे मैं दान दे रहा हूँ, ले जाओ एक बोरी तुम, ले जाओ एक बोरी तुम, दान दे रहा। तो जब वो किसान मालिक आएगा तो क्या कहेगा, उसको बड़ा दानी है, ये तो पता लगाओ कि ये माल किसका है। तो तू ईमानदार कहाँ से बन गया। तो कहते प्रभुपाद कहते हैं इस चोरों की ईमानदारी। तो इस तरह से बिना भगवान को अर्पित किए खाना पाप खाना है और बच नहीं सकता, वो चोर है, निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा। नारद जी भागवत में भी कहते हैं स तेना दंडम मरहति, वह चोर है,
उसको दंड दिया जाएगा। इसलिए हमको चोर नहीं बनना है, जो भी खाना है गोपीनाथ जी को बताकर, जो भी करना है इनके अध्यक्षता में, तब हमारा सारा क्रिया भागवत धर्म हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस बस हो गया हो गया। और हरे कृष्ण, बस कोई जिज्ञासा, कोई मन में जिज्ञासा है? कभी कभी जानते हैं देर होने पर क्या जिज्ञासा होती है। तो एक, एक एक बार महाराज कथा कर रहे थे बिहार के गांव में, और कथा तो एक सवा घंटा में बंद कर दिए, लेकिन जिज्ञासा डेढ़ घंटा तक चलती रही। तो एक बूढ़ा था, गांव का खेत पर जाना था उसको, तो वो भी खड़ा हुआ, कहा कि महाराज जी हमारा भी एक सवाल है। तो महाराज जी कहे, हाँ बोलिए बोलिए, उनको माइक दो भाई। तो माइक भोजपुरी बोला, इस कब बंद हुई? मैंने वो सोचा कि अब 10:30 बज गया, तो उसका प्रश्न था कि कब ये सब बंद होगा। ने उस बिहार गांव के लोग बड़े सरल होते हैं, बंद हो जाएगा तो प्रसाद बढ़ेगा, बिना प्रसाद लिए जाने पर पाप लगेगा। तो अब उसका सवाल था कि बंद कब होगा। तो देर हो जाने पर तो यही प्रश्न सबके मन में आता होगा। तो अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए। ये भागवत पाठ का नियमित रूप से कैसे रोज पठन कर सके, और उसमें आपको इतना आकर्षण है, तो हम लोग को तो इतना नहीं है, तो किस तरह से आकर्षण उसमें बढ़ाएं और नियमित रूप से उसको कैसे अध्ययन कर सके थोड़ा? हाँ देखिए, जब बच्चा माँ के गोद में रहता है, माँ का स्तन पीता है, तो माँ को पता है कि स्तन का दूध इसके जीवन भर काम आने वाला नहीं है। तो उस रोटी या चावल को लिक्विड बनाकर दूध में जैसे तैसे खिलाती है, सोचती है कि इसको खाना सीख ले। लेकिन वो करता क्या है, कभी कभी उल्टी कर देता है, नहीं खाना चाहता है, रोने लगता है, लेकिन वो कोशिश करके खिलाती है। और खाते खाते जब सीख जाता है, तो आप बंगालियों से पूछिए कि उनको भात कितना प्रिय है। वो एक दिन में सीखे हैं। पंजाब वालों से पूछिए रोटी कितना प्रिय है, वो एक दिन में नहीं सीखे हैं। और ऐसे उड़ीसा बंगाल से आने वाले भी वृंदावन में रोटी खाते खाते अब भात भूल गए। तो ये एक दिन का विषय नहीं है, एक मन में तो अच्छा नहीं लगता है, बोरियसनेस होता है। लेकिन आपको दसम स्कंद के 7वें अध्याय में महाराज परीक्षित कथा की महिमा बतला रहे हैं, उत्साहित होकर कह रहे हैं कि कथा सुनाइए। यत श्रृण्वतो रपयति रति वितृष्णाम सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमनसे चेत। हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान की बाल लीलाओं को हे गुरुदेव और सुनाइए। जिस कथा के सुनने पर दो चीज का लॉस होता है, तीन चीज की प्राप्ति, पांच इफेक्ट कथा की बतला रहे हैं। यत श्रृण्वतो अपयति अरति वितृष्णा, जो अरति है, कृष्ण कथा के प्रति अरुचि है, सुनना नहीं चाहते, बोरियसनेस हो रहा है, क्या ये कब बंद करेगा, दिमाग खराब किया है। कभी कभी आदमी कथा में आकर फंस जाता है, यार कहाँ बैठ गया। अगर मान आगे बैठ गया है तो और चक्कर। अगर मन पीछे है तो धीरे से जा भी सकता है, लेकिन आगे बैठकर एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो बोरियसनेस है वो चली जाती है, अरति चली जाती है, और संसार को भोगने की जो वितृष्णा है, तृष्णा माने लोभ, वितृष्णा माने हाय हाय ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो भी मार्केट में है सब किचन में रख देना चाहिए, जो भी दिखाई दे वो घर में सारा फर्नीचर सारा चीज मेरे घर में रहना चाहिए, जो हाय हाय लगा है वो वितृष्णा जो है वो समाप्त हो जाती है कथा सुनने से।
कथा सुनने से कथा के प्रति अरुचि चली जाती है, संसार को भोगने की जो लालसा है वो चली जाती है, दो चीज चली जाती है। और तीन चीज प्राप्त होता है, सत्वम च शुद्ध्यति, हृदय पवित्र होता है, हृदय की जो गंदगी है संसार की कामना वो धुलती है, तो सत्वम च शुद्ध्यति। अब भक्ति हरऊ, भगवान हरि में प्रेम बढ़ता है, और च सख्यम तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्तों से मित्रता हो जाती है, भगवान में प्रेम होती है, हृदय पवित्र होता है, भगवान के भक्तों से दोस्ती हो जाती है, ये तीन। और अरुचि समाप्त हो जाती है और संसार की तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो कथा सुनने से ही कथा में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसको शुरू शुरू में नहीं सुन अच्छा लगता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसके आँख में पीलिया हो गया है शरीर में तो पीला दिखाई देता है, उस समय मिश्री कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती, लेकिन दवा भी वही है। मिश्री जब खाते 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 मीठी लगने लगे तो समझिए कि पीलिया चली गई। तो उसी प्रकार कथा जब अच्छी लगने लगे तो समझिए कि अब काम हो गया। तो कथा सुनने से कथा अच्छी लगती है, ऐसे नहीं एक दिन में कोई आईएएस पीसीएस या डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, कितना कोचिंग क्लास करना पड़ता है, रात भर पढ़ना पड़ता है, सारा दुनिया सोती है और उनको कंपटीशन तैयार करना है। तो भागवत को उसी रूप में पढ़ना पड़ेगा ना, इतना नहीं प्रेशराइज होकर नहीं, सुनते 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 प्रेम से एक अध्याय दो अध्याय फिर एक एक श्लोक पर विचार करते करते टेस्ट बढ़ जाएगा, और फिर वो सब संसारिक काक तीर्थ से मन उब जाएगा। जैसे कौवे गंदे स्थान पर जुटते हैं और काँव काँव करते हुए वही गंदा चीज़ खाना चाहते हैं, उसी प्रकार सुबह सुबह में न्यूज़पेपर पर कौवे मंडराते हैं, उसको काक तीर्थ क्या हुआ, अच्छा काँव काँव कौन क्या कहा, कौन क्या कहा, काँव 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 इस पर वो समाप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और देखिए उन लोगों की स्थिति, अखबार पढ़ने वाले न्यूज पढ़ने वाले कहते कब का पेपर है, तो अगर कह दीजिए आपकी कल का है तो नहीं पढ़ेंगे, बासी हो गया। जो सुबह का छपा हुआ शाम को बासी हो जाता है, कल का आज बासी हो गया, वो कैसे न्यूज है, तो बासी है ना, तो न्यूज क्यों कहते हैं। न्यूज है श्रीमद् भागवतम, अनादि काल से अनंत काल तक नया बना रहता है, ये कभी बासी नहीं होता, ये बासी नहीं होता। इसमें कृष्ण की कथा है, नित्य नवीनता बनी रहती है, अनादि काल से कृष्ण है, अनंत काल तक रहेंगे, और उनकी कथा जितना भी चर्चा करो उतनी नवीन है। तो असली न्यूज ये है, तो इसको सुनने से इसमें टेस्ट आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्रेशराइज होकर नहीं, स्वाभाविक टेस्ट आने लगेगा। हरे कृष्णा। और है जिज्ञासा, उनको उधर माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपने बताया जपा करते टाइम नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे मन और कहीं पे चली जाती है, तो ये तो प्रैक्टिकली बहुत सही बात है, क्योंकि आज हम लोग आजकल इतने फंसे हुए हैं सभी काम से। तो पहली बात है, ये ऐसा क्यों होता है कि जपा करते टाइम हम अपना मन क्यों इतना बार बार ये हो जाता है, और अगर ऐसा होता भी है तो आपके एक्सपीरियंस से हम कब ये गाइड कीजिए कि कितना मतलब कैसे हम उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके। हरे कृष्ण। हाँ, तो उस समय पहला तो शर्त है कि उस समय मोबाइल अटेंड मत कीजिए, और दूसरी बात कि एक नियम बना लीजिए कि जिस समय हम जब करेंगे उस समय कुछ दूसरी बातें नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। सोचना तो खैर आपके बस में नहीं है, वायु रिवर्स दुष्कर्म अर्जुन कह रहे हैं तो हमारे लिए तो और कठिन है तो वो हवा की गति भी रोक सकते थे, वो तो अपने गांडीव के प्रभाव से पूरब से बहने वाली पश्चिम जाने वाली हवा के गति रोक सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि उससे भी कठिन मन को रोकना है। तो कठिन है, छोड़िए मन कहीं भी जाए, जप करते रहिए, सुधा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, बस पढ़ते रहना चाहिए। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड रात को ड्यूटी पर है,
जगा हुआ है, राइफल लिया हुआ है, और रात को अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है कि बच्चों के विषय में इसको थोड़े देखा जाता है, जगने के लिए पैसा दिया जाता है। तो उसको तो आप आपकी जीभ उच्चारण कर रही है बस, अब सोच क्या रहे हैं इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं, जो हाथ प्रैक्टिकल जिह्वा उच्चारण करे बस इतना काफी है, अब उसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसके टेंशन में नहीं मरना है, उच्चारण करे बंद नम हो इसके लिए ध्यान देना है। और एक दिन ऐसा होगा कि ये प्रेम से जप करने लगेगा, जब इसका आदत पड़ जाएगा उच्चारण करने का, तो जो भक्त लोग मंगला आरती के पहले अगर 5 माला 7 माला कर चुके हैं उनको, दूसरी बात तो छोड़िए मंगला आरती के समय अनाउंसमेंट और ये सब के समय मन करता है कब खत्म होता है यार जप करता, जप में जो टेस्ट मिलता है तो उस समय भी मन करता है जप करने का, जो शुरू में जप किए हैं सुबह सुबह एकदम पवित्र मन से तो मन करता है कि पूरा 16 माला पूरा करके ही अब कुछ करना है, तो उस समय तुलसी आरती के समय अनाउंसमेंट के समय जो देर होता है तो उतना देर उसको कठिन लगने लगता है, मन करता है निकल कर कहीं जाकर जप करें यार, ये सब तो होता ही रहेगा, वो भी जरूरी चीज है, फिर भी उतना चीज जब बर्दाश्त नहीं करता तो फिर संसारिक चीजों को कैसे बर्दाश्त करेगा, तो जप करके इसको एक बार इसका टेस्ट का अनुभव करके तब देखिए कैसे मन लगता है जप करने में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मन जप में नहीं लगता है, भागवत पढ़ने में नहीं लगता है, तो नहीं पढ़ने से भागवत पढ़ने में मन लग जाएगा या नहीं नहीं जपने पर जप करने का मन करने लगेगा, करेंगे तब ना जप, मन ही नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता है तो इसका उपाय है कि बस पढ़िए ही मत, तो जब आपको पढ़ने पर मन नहीं लगता है तो नहीं पढ़ने पर कैसे मन लगेगा, तो इसका उपाय यही है ना, पढ़ेंगे तब मन लगेगा। शुरू शुरू में बच्चे पढ़ते हैं उनको मैथ कठिन लगता है, लेकिन उसके गार्जियन जानते हैं चलो पढ़ो, स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, बाद में वही बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो जाता है, वही जो नहीं पढ़ना चाहता था वही, उसको उस समय क्रिकेट गेंद के आगे वो पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको मन लग जाता है, उसी प्रकार जप में मन लगेगा, भागवत में मन लगेगा, करना पड़ेगा, पहले कुछ कोशिश करके करना पड़ेगा। जानते हैं जैसे एक शक्तिशाली चुंबक है, एक लोहे का सिक्का ले जाते हैं तो कुछ रेंज तक ले जाना पड़ता है और कुछ के बाद वो खींच लेता है, और जब खींच लेता है उसको तो वो सिक्का भी चुंबकत्व से भर जाता है, अब दूसरा सिक्का उठाकर सिक्के के पास लेते हैं तो वो उसको खींचने लगता है, तो इस प्रकार जो हमारी प्राकृत जिह्वा है अप्राकृत भगवान नाम और कथा के प्रति जब इसको नियुक्त करते हैं कुछ रेंज तक प्रयास करना है, इसके बाद तो जब वो स्पिरिचुअल के साथ संपर्क में हो तो प्रीचर हो जाता है। कुछ शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा विलंब हो गया। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, गौर निताई की जय, जय श्री राधा, जय।